This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shahin Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newsome Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School. आगे भी हमको कब जॉब मिलता और कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे हमको मालूम नहीं है. सुसाइड कर रहे टीचर्स लेक्चरर्स बहुत ही मुश्किल में है. कोई रेलवे स्टेशन में इडली भेज रहा है, कोई चाय भेज रहा है, कोई सुसाइड ही कर रहा है. सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इमीडिएटली आप हमको रिलीफ फंड दीजिए. आज हम सेव एजुकेशन कमिटी के तरफ से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये गेस्ट लेक्चरर्स, गेस्ट टीचर्स और प्राइवेट कॉलेजेस में जो काम कर रहे हैं, स्कूल टीचर्स और लेक्चरर्स, ये हम सब लोग मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. हमारी मांग ये है सरकार से कि ऑलरेडी आप सब लोगों को मालूम है कि पास्ट 3 मंथ से स्कूल कॉलेजेस कौन सा भी चालू नहीं है और आगे भी कब तक ये स्टार्ट नहीं होता हमको भी नहीं मालूम है. कोविड दिन ब दिन बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही परेशानी में गुजर रहे हैं हम लोग. आप लोगों को मालूम है 3 मंथ से हम लोगों को जॉब नहीं है. आगे भी हमको कब जॉब मिलता और कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे हमको मालूम नहीं है. तो ये बहुत डिस्ट्रेस में है. पेपर में भी आ रहा है, बहुत लोग साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो रहे, सुसाइड कर रहे टीचर्स लेक्चरर्स बहुत ही मुश्किल में है. अभी देखिए किराए तो भरना पड़ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो थोड़ा तो पैसा चाहिए हमको. वो एब्सोल्युटली सैलरीज नहीं है. कोई रेलवे स्टेशन में इडली भेज रहा है, कोई चाय भेज रहा है, कोई सुसाइड ही कर रहा है. तो ये मसला हमारा है. सरकार को ये मालूम है, ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है बोलकर. सरकार को मालूम रहते हुए भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे. तो आज हम पूरी कर्नाटका में सेव एजुकेशन कमेटी के बैनर के अंदर हम सारे मिलके सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इमीडिएटली आप हमको रिलीफ फंड दीजिए. आप जैसे ऑटो रिक्शा वालों को और अलग अलग सेक्टर में काम करने वालों को कंसिडर करके कैसे दिए ना, वैसे ही हमको भी कंसिडर कीजिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुजर रहे हैं हम. इमीडिएटली आप हमको रिलीफ पैकेज देना, ये हमारी रिक्वेस्ट और डिमांड है सरकार से. सेव एजुकेशन कमेटी से ये आंदोलन कर रहे हैं. आज स्टेट लेवल हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट को. क्यों बोले तो स्कूल कॉलेज में क्या काम कर रहे हैं टीचर्स लेक्चर्स, उनको फेब्रुवरी से पेमेंट नहीं दिए सोसाइटी वाले. क्यों बोले तो वो मार्च में स्टार्ट हुआ ये लॉकडाउन, जब तक काम करे सो वालों को फेब्रुवरी में बंद हुआ और मार्च से बहुत तकलीफ में है लोग. बोले तो टीचर्स क्या हम समाज में एक नाम है, टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट है, वो टीचर्स आज बहुत मुश्किल में है. उनके लिए हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं हमको कुछ ना कुछ मदद करो, क्या तो पैकेज दो. हम कुछ काम करने के भी नहीं लाइक नहीं. क्यों बोले तो हमको काम भी नहीं देते लोग गए तो. हमको क्या तो काम दोगे, तुमको क्या बस बड़े लिखे हैं, तुम स्कूल में पढ़ाते कॉलेज में पढ़ाते, तुमको कहीं को ना काम, तुम क्या तो क्या करते गवर्नमेंट, ऐसा पूछते लोग. फिर भी हमारा ज़िंदगी बहुत मुश्किल में गुजर रही है, इसलिए हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इमिडिएटली एक पैकेज डिक्लेयर करो और 12 महीना पेमेंट चालू रखो हमारे लिए गवर्नमेंट से. ये हम गुजारिश करते हैं. इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, एमकेएस लेआउट, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, एमएएम पीयू कॉलेज एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल.